गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। इलेवेंथ क्लास के अंदर हमारा लास्ट चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिसिटी। चैप्टर सीक्वेंस के हिसाब से ये थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखो, नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मीन्स होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मीन्स प्रॉपर्टीज विच चेंज अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स। जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो किस सिक्वेंस में चेंज होंगी उनको, प्लस उन किस तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे, ये सारा पढ़ेंगे। आप ये बोल सकते हो कि पीरियोडिक टेबल का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, किस चीज़ पे वो बेस्ड है, और इसके अलावा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हम किन किन फीचर्स को रीड करते हैं, है ना, किस बेस पे तो उसको क्लासिफाई किया और किस बेस के ऊपर उसको हम रीड करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आएंगी। फर्स्टली हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वी नो दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर इज एटम। आफ्टर दैट वी यूज़ द वर्ड इज एलिमेंट। वाई वी यूज़ द वर्ड एलिमेंट, why we don't use atom, compound, molecule? Then first of all I want to introduce the word element. What is element? Then we can say that the combination of two same atoms is called element. दो सेम एटम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट फॉर्म बोलते हैं। वी कैन से दैट द मोस्ट ऑफ एटम्स, ऑलमोस्ट 90%, 95% बोले तो भी ठीक है, ऑलमोस्ट एटम्स ऑलवेज प्रेजेंट इन एलिमेंटल फॉर्म, बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ एनी मैटर। किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मैटर की सबसे जो स्टेबल फॉर्म होती है वो कौन होती है, एलिमेंटल फॉर्म होती है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट, लाइक H2, N2, F2, ये सब कुछ। मैंने ये नहीं कहा है कि ओनली टू ही हो, सेम एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, लाइक आपके जैसे P4, S6 इस तरीके से भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स हमेशा बायमोलिकुलर बायटोमिक फॉर्म में ही होते हैं। तो डाईटोमिक मोलिक्यूल्स जो हैं, जिनके अंदर होमोडाईटोमिक बोल सकते हो, जैसे लास्ट क्लास में अपने MOT के अंदर काफ़ी सारा डिस्कस किया होमोडाईटोमिक मोलिक्यूल्स, देन वी कैन से दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर। आई हैव डिफाइन दैट एलिमेंटल स्टेट इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एनी कंपाउंड विच डिफाइन द ओवरऑल प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड। सो वी कैन से दैट द एलिमेंट इज फाउंड जनरली इन नेचर, मोस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ मैटर्स इज प्रेजेंट इन एलिमेंटल फॉर्म। इन स्टार्टिंग कुछ ब्रीफ हिस्ट्री हैं जिसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि एलिमेंट्स, वाई वी नीड एनी पीरियोडिक टेबल, वाई वी नीड क्लासिफिकेशन, देन वी हैव टू ऑल्सो आइडेंटिफाई द सम ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स ग्रेजुअली द पीरियड्स। फर्स्ट टिल 1800 देर आर ओनली 31 एलिमेंट्स। 1800 तक कितने डिस्कवर करे गए थे, ओनली 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। दीज आर फ्यू एलिमेंट्स, सो वी कैन अरेंज द एलिमेंट्स इन एनी फॉर्म। सो वी नोट नीड एनी क्लासिफिकेशन लाइक एज पीरियोडिक टेबल, लाइक एज अरेंजमेंट, लाइक एज एनी सिक्वेंस। बट आफ्टर दैट इन 1865 देर आर 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, एंड नाउ अ डेज देर आर 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नेचर। Nowadays we can say that 118 elements which are arranged in the periodic table, on increasing the number of elements we need classification. So many scientists propose their theories about the classification. First, on increasing the number of elements there are the requirement of classification. Simply, on increasing the number there are no idea about the sequence of elements, so we require that we have to some tips that we can arrange the all elements, then we can identify them or we can define them. So we need the classification. Firstly, what is the mean of classification? Then we can say that classification means elements which are same in physical and chemical properties, kept in the same sites. Classification means we have to choose the elements which have either in physical property
or either in chemical properties, same properties, then we have to also gradually manage them in increasing or decreasing order of their physical and chemical properties. Such manner of arrangement of physical and chemical properties in their either increasing or decreasing order, this phenomena is known as classification. Now, triad rule. Triad rule, in 10th class you have discussed the triad rule. First of all, I want to say that triad rule is given by John Doerreiner. ठीक है, इसके अंदर मिसिंग किया मैंने, आपको ऐड करने है. जॉन डोवेराइनर. व्हाट इज द ट्रायड रूल? अकॉर्डिंग टू जॉन डोवेराइनर, द एलिमेंट्स आर ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स विच हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अकॉर्डिंग टू दिस टर्म वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रायड्स ऑफ एलिमेंट्स और मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अरेंज बाय दिस फिनोमिना. क्या कहा इसने? इसने बोला कि एलिमेंट्स हैव द ग्रुप ऑफ सेम थ्री एलिमेंट्स. इसने बोला कि हर जो तीन एलिमेंट्स होते हैं, थ्री एलिमेंट्स होते हैं, वो सेम प्रॉपर्टीज के होते हैं, तो हम तीन का ग्रुप बना करके मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं. बट इसका कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं था, कोई अप्रोप्रिएट इसका फिनोमिना नहीं था, थीम नहीं थी, बेस नहीं था. सो ये फिनोमिना क्या हो गया? डिसअपीयर हो गया, फेल हो गया, क्योंकि बहुत कम एलिमेंट्स ऐसे हो पाए, बहुत कम ट्रायड ऐसे हो पाए जिसको ये अरेंज कर पाए. या फिर आप ये बोल सकते हो ये ओनली 6 or 7 ट्रायड्स ही अरेंज कर पाया था, जिसमें 17-18 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया. इसके बाद में ये रूल क्या हो गया? फेल हो गया. अकॉर्डिंग टू ट्रायड रूल, एलिमेंट्स आर ग्रुप ऑफ थ्री सेम एलिमेंट्स इन विच दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ट्रायड. ट्रायड मीन्स होता है ग्रुप ऑफ थ्री सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. बट इसकी एक कंडीशन क्या थी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है इसमें. द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द मिड एटम. फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो मास होता है उसका एवरेज किसके इक्वल होगा? मिड एलिमेंट के इक्वल होगा. लाइक इफ वी अरेंज एवरेज मास मीन्स लिथियम सोडियम पोटेशियम देन 7, 39 एवरेज निकालेंगे दो एलिमेंट से, दोनों का नंबर है. इसके लिए एवरेज मीन्स तीन एलिमेंट्स अरेंज किए. इसके अंदर देखो, एक फर्स्टली तो ये होता है कि जो एलिमेंट्स आपने सेलेक्ट किए देर इज सेम एटॉमिक डिफरेंस मस्ट बी प्रेजेंट. लाइक एस लिथियम कम्स एट 3 नंबर, सोडियम कम्स एट 11 नंबर, देर इज डिफरेंस ऑफ 8 हियर 11 देन 19 देन द डिफरेंस ऑफ 8 एलिमेंट्स, 8 का डिफरेंस है. ध्यान रखें इसके अंदर फर्स्टली तो जो एलिमेंट्स आपने सेलेक्ट किए हैं वहाँ पे एटॉमिक नंबर का डिफरेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए. देन एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट का एवरेज निकालेंगे, वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? मिड एटम की. ये कॉन्सेप्ट लगी थी. ऐसा करने से वो सारे एलिमेंट्स जो होता था, है ना, ऑल एलिमेंट्स कांट बी अरेंज अकॉर्डिंग टू द ट्रायड कॉम्बिनेशन, सो दिस रूल बिकम्स फेल. कॉमन सी बात है, उसका कोई बेस नहीं था, कोई थीम नहीं था, सिर्फ एक थ्योरी उसने बनाई थी, उसके बेसिस पे कुछ ट्रायड्स वो अरेंज कर पाया था. क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हियर लिथियम सोडियम पोटेशियम. ओके, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हियर क्लोरीन हैज द एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन देन बाद में निकालेंगे इसका आयोडीन 127, एवरेज निकाला इनका, देन किसके इक्वल आया? ब्रोमीन के मास के इक्वल आया. इस रूल के अकॉर्डिंग भी अपन क्या नहीं कर सकते. इसके अंदर देखो, क्लोरीन 75 पे, ये 35 पे आते हैं, 17, 35, 18 का डिफरेंस होता है, देन इन दोनों में भी कितने का? 18 का डिफरेंस होता है. ठीक है ना, तो इनको सारे एलिमेंट्स जो थे वो इसके अंदर है ना, ऑल एलिमेंट्स कांट बी अरेंज इन दिस मैनर, सो दिस रूल बिकम्स फेल. सारे एलिमेंट्स इस के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं हो पाए, सो दिस रूल बिकम्स फेल. कॉमन सी बात है. इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कुछ जो कॉम्बिनेशन बनाए थे उनके अंदर अच्छे सेट बन रहे थे, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एवरेज मास और ये फिनोमिना लग रहा था. इनिशियली ठीक था ही, लेकिन उसके बाद में सारे एलिमेंट्स अरेंज नहीं हो पाए, देन कुछ अलग रूल्स प्रपोज हुए, तो ये रूल क्या हो गया? फेल हो गया. ठीक है, ट्रायड रूल गिवन बाय जॉन डोवेराइनर. अकॉर्डिंग टू ट्रायड रूल, एलिमेंट्स आर ग्रुप ऑफ थ्री सेम एलिमेंट्स इन विच दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. In triad, they must be present in same condition at which there is the same atomic number difference and the average mass of first and last element must be equal to the mid atom.
ठीक है ना, दोनों कंडीशंस दोनों जो फॉलो करेंगे एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात, फर्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट है उनका जो एवरेज है वो मिड एलिमेंट के जस्ट इक्वल होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट लगी थी, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट लगी थी, इसलिए ये रूल क्या है ठीक था। इसके बाद में ऑल एलिमेंट्स कांट बी अरेंज बाय दिस मैनर सो दिस रूल बिकम्स वैलिड, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, देखो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल मीन्स फर्स्टली ऑक्टेव रूल गिवन बाय न्यूलैंड, ट्राइड रूल गिवन बाय जॉन डोबेराइनर। देर इज सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स बट हियर द एलिमेंट्स आर ग्रुप ऑफ एट एलिमेंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट उसने जो कॉन्सेप्ट ली थी वो सुने, एलिमेंट्स आर arrange in increasing order of atomic mass firstly, इसने जो थीम लिया था इट अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, जो वेट में कम था उसको पहले और जो वेट में ज़्यादा था उसको बाद में लिया, ठीक है। सबसे गलत थीम इसका यही हो गया था, स्टार्टिंग एलिमेंट्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन था उसका फेल्ड होने का एक बेसिक रीज़न यही था, बिकॉज ऑल क्लासिफिकेशन थीम्स आर बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, that was the wrong concept. Elements are arranged in increasing order of atomic mass. पहली बात याद होना चाहिए octave rule के अंदर जो elements हैं वो किस base पे arrange करें, atomic mass के range पे. They arrange them the group of eight elements. ठीक है, he compare them the vowels of musical scale या फिर बोल सकते हो notes of musical scale. जो musical scale के notes होते हैं जिसको बोलते हैं ना सारे गामा, इसके अकॉर्डिंग उसने किया था कि इसके जो टोटल एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है जिस तरीके से उसमें एट्थ जो वोवल होता है वो बार बार रिपीट होता है, उसी तरीके से उसने बोला था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, हर जो एलिमेंट होगा उसके अंदर क्या होगा हर एक आठवां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट गलत लग जाती है, कई बच्चे अलग करते हैं कि फर्स्ट किसके इक्वल होगा एट के, सेकंड किसके इक्वल होगा नाइन के, थर्ड एलिमेंट किसके टेन के, फोर्थ एलिमेंट इलेवन के, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट इक्वल होगा, ध्यान रखना ये चीज़। ग्रुप ऑफ एट इसीलिए हर एक आठवें एलिमेंट पे प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, तो म्यूजिकल नोट्स थी सा रे गा मा पा धा नी, देन अगेन सा आता है, ठीक है, ध्यान रखें 1 2 3 4 5 6 7 हर बार एट पे रिपीट हो रही है, तो एट पे रिपीट होने के ऊपर है ना, एट के ऊपर रिपीट होने पर कॉन्सेप्ट यही थी। लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नोबेल गैसेस की डिस्कवरी उस टाइम तक नहीं हुई थी, हाइड्रोजन की गैस की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, देन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन ऑर्गन नहीं आया था उस टाइम तक, पोटेशियम। आफ्टर पोटेशियम देर आर मैनी ट्रांजिशन मेटल्स, after the potassium this rule becomes false because due to the discovery of transition metals we can't arrange them, सारी की सारी metals same होती हैं, properties बिल्कुल same होती हैं, इसका मतलब एक ही property वाले element को बहुत सारे groups में कैसे divide कर सकते हैं, how can we arrange according to the musical notes or musical scale, then after the discovery of transition metals and after the discovery of inert gases this rule becomes valid, because after the discovery of noble gases one row also becomes here, then elements are group of 9, ek element ki series aur badhne par jo elements the wo group of 8 ka nahi reh paye wo kiska ho paye ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम नहीं हो पाए, देन क्या होती है इसके अंदर नाइन का कॉम्बिनेशन हो जाता, तो ये रूल फेल हो गया। तो इस रूल का फेल होने का रीज़न क्या था, फर्स्टली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस द ग्रुप्स ग्रुप ऑफ सेम एलिमेंट्स बिकम्स द ग्रुप ऑफ 9 नॉट 8, एंड सेकेंड इज आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स दे कांट बी अरेंज बाय द ऑक्टेव रूल्स। ओके, हाइड्रोजन सॉरी लिथियम सोडियम पोटेशियम सेम प्रॉपर्टी होती है, बेरिलियम मैग्नीशियम सेम होती है, बोरोन एल्यूमिनियम, लेकिन इसके बाद में जब इनको रखोगे तो उसके बाद में क्या नहीं हो पाएगी, या फिर अगर आप नोबेल गैसेस के अंदर एट का ग्रुप ही रखते हो तो ये सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए नोबेल गैस की डिस्कवरी के बाद में और ट्रांजिशन मेटल्स की डिस्कवरी के बाद में ये रूल क्या हो गया था, यहाँ पर फेल हो गया था। ट्राइड रूल क्या था, अकॉर्डिंग टू ट्राइड रूल द सेम एलिमेंट्स
है ना, एलिमेंट्स आर ग्रुप ऑफ थ्री सेम एलिमेंट्स इन विच दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द मिड एलिमेंट. कंडीशन ये थी. और टू आइडेंटिफाई द ऑक्टेव वी हैव टू नोटिस दैट द एटोमिक नंबर डिफरेंस मस्ट बी इक्वल एंड ऑल्सो दैट शुड बी फॉलो द एवरेज मास लो. ओके, एवरेज मास लो का रूल भी उसमें फॉलो होना चाहिए. दूसरी, उसमें एटोमिक नंबर का जो डिफरेंस था, अगर एटोमिक नंबर में डिफरेंस 18-18 का है तो सब में 18 का ही डिफरेंस होना चाहिए. जैसे 8-8 एलिमेंट्स का डिफरेंस है तो 8 का ही होना चाहिए. इसके अलावा अगर एलिमेंट्स अगर है ना 1 का डिफरेंस है जो भी, बट सारे एलिमेंट्स उसमें अरेंज नहीं हो पाए थे, सो रूल क्या हो गया था, फेल हो गया था. न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल काफ़ी ठीक था उससे. न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के अंदर बस डिस्कवरी इतनी थी, नोबेल गैस की डिस्कवरी काफ़ी लेट हुई थी और नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं होने तक ये रूल काफ़ी ठीक था, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज किया था, बट इसका बेस क्या था, एटॉमिक मास, सबसे रॉन्ग बेस यही था. ट्रांजिशन मेटल्स तक के तो एवरेज मास क्या होते हैं, सॉरी इंक्रीज होते जाते हैं, एटॉमिक मास, एवरेज मास नहीं, एटॉमिक मास इंक्रीज होंगे, लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव सेम साइज एंड सेम एटॉमिक मास, एवरेज मास उनका बिल्कुल सेम होता है, सो वी कांट अरेंज देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, इसलिए ये रूल क्या हो गया, इसका जो फिनोमिना था है ना, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, दिस रूल बिकम्स फेल आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दे हैव द ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स, दिस रूल फेल आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस. दो थीम लिए थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बाद में फेल हो गया था, दूसरा लिया था एलिमेंट्स आर द ग्रुप ऑफ सेम 8 एलिमेंट्स, ये नोबेल गैसेस की डिस्कवरी के बाद में फेल हो गया था. दोनों ही थीम फेल हो जाने के बाद भी रूल क्या हो गया, फेलियर हो गया. उसके बाद में अगला कंपेयर के यही था, म्यूजिकल नोट्स फर्स्ट 8, सेकंड 9, थर्ड 10, फोर 11, ये एटम्स का ग्रुप होता है जो सेम सेम एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ठीक है. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस दिस रूल बिकम्स फेल बिकॉज एलिमेंट्स आर ग्रुप ऑफ 9 एलिमेंट्स. ठीक है, 9 एलिमेंट्स का हो गया. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास क्यों नहीं चल पाया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नहीं चल पाया. तो अब आज के अंदर हम क्या देखे हैं, ट्राइड रूल, इसके अलावा ऑक्टेट रूल, एलिमेंट क्या होता है, वाई वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर आप लोगों को क्यों नीड पड़ी इस चीज़ की, स्टार्टिंग के अंदर देखो मैं पूरा रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद चलते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेम एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट. एलिमेंट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. इन 1800 देर आर ओनली 31 एलिमेंट, टिल 1865 वी डिस्कवर 63 एलिमेंट्स एंड नाउ इट इज वी हैव ओनली 118 एलिमेंट्स. क्लासिफिकेशन मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. वी नीड क्लासिफिकेशन बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट्स वॉज नॉट ईजी टू रिमेंबर दैट अकॉर्डिंग टू देयर अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, सो क्लासिफिकेशन शुड बी नीडेड. फर्स्टली इन दिस सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइड रूल इज प्रपोज बाय द जॉन रोबी राइनर. We have seen that there are elements which are same in physical and chemical properties kept in the group of three elements is called triad. In triad, the average mass of first and last element is equal to the mid atom. Kuch triads rule, uske baad mein rule fail ho gaya. After that, the Newland octave rule given by Newland. According to octave rule, same elements are group of 8 elements in which they have same physical and chemical properties is called octave. He compared them with the musical scale notes in which first and 8th element, second and 9th, third and 10th elements have same property. But after the discovery of inert gases, this rule becomes fail because elements are group of 9 elements. And all elements are arranged according to increasing mass of atomic mass. After the discovery of transition metals, they can't be arranged in increasing order of atomic mass. ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हमने ऑक्टेव रूल देखा है, ट्राइड रूल देखा है, क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई है, कितने एलिमेंट्स हैं और पीरियोडिक टेबल का जो इनिशिएशन स्टेप था वो क्या था. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व. सबसे पहला साइंटिस्ट था लोथर मेयर जिसने एलिमेंट्स को ग्राफिकल फॉर्म के अंदर अरेंज किया था.
ठीक है ना, ग्राफ की फॉर्म के अंदर अरेंज करने वाला फर्स्ट साइंटिस्ट था लोथर मेयर, जिसने एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस पे उनको अरेंज किया था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि एटॉमिक वॉल्यूम के अंदर इसको अरेंज किया, उसके बाद में क्या क्या नीड हुई कि इतना तो पता चल गया ऑक्टेव रूल के अंदर सबको अरेंज नहीं कर पाए, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को और इनको इंक्लूड करने के बाद में किस तरीके से हम अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, लोथर मेयर के बाद में अपन पढ़ेंगे आगे पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग पढ़ेंगे, मेंडलीव है, मोजले है ना, किस तरीके से उनकी नीड हुई और क्यों वो चल पाई थी। ठीक, थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।